साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे चलो, पीछे चलो, नहीं चलेगी, आई जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी हमसे डरता है, ये ना खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, देखो आज पूरे देश में तमाम स्टेट कैपिटल्स पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक सत्याग्रह के नाम से एक प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। खासकर कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट। तमाम कश्मीर वैली से जो हमारे चीदा चीदा वर्कर्स है वो सारे जमा थे। 10:30 बजे से अभी 1 बजे तक कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई इस तमाम वर्कर्स को, और हमने कंडेम किया मोदी सरकार के इस एक्ट को, जिसके तहत में हमारी नेशनल लीडर सोनिया गांधी को उन्होंने इस अलील हालात में जो ईडी के सामने बुलाया है, और ऐसे केस में जिसका कोई ना हाथ तो ना पैर, ना कोई एफआईआर, ना कोई इल्ज़ाम। और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, पूरे देश में इमेज टार्निशिंग की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर कोई एक पैसा ट्रांसफ़र हुआ हो। अगर प्रॉपर्टी जो AGL की है, नेशनल हेराल्ड की है, वो फिक्स प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपनी जगह है। 3 प्रॉपर्टीज़ है आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली में है, मोहाली में है, मुंबई में है। कोई भी मीडिया वाला जाकर उन प्रॉपर्टीज़ को देख सकता है कि वो किसके नाम से है और कहां पर है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, अगर कोई पैसा कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई पर्क्स नहीं लिए है एज ए ट्रस्टी, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के इमेज टार्निशिंग का मतलब क्या है। ये सिर्फ बदले की भावना मोदी सरकार ले रही है कांग्रेस पार्टी से, और हमें फख्र है कि अगरचे वो ज़ईफ लेडी है जिसने वज़ीर आज़म पद को देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने 2-2 बार देश में सरकार अपने नाम से लाई, वो इतनी लालची होती तो प्रधानमंत्री बनती। प्रधानमंत्री उनके घर में ऑलरेडी 3-3 बने हैं। फ्रीडम मूवमेंट में उनका प्रथम रोल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके घर से है, इंदिरा गांधी जी उसके घर से हैं, राजीव गांधी उसके घर से हैं, फिर भी उनका देश में कोई घर नहीं, अपना घर कहीं नहीं है। ये मोदी साहब को और उसकी भाजपा को आंखों में खल रहा था कि इतनी ईमानदारी से इन्होंने कुर्बानियों से देश को बनाया, और इनको हम देश के नज़रों में कैसे उतारें। मगर उनके इस अमल से सोनिया गांधी या उस परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के करोड़ों लोग ये जानते हैं कि ये परिवार, खासकर सोनिया गांधी जी, मतलब इसमें कितनी ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने फेस करने का एक फैसला लिया है, वो आज जा रही वहाँ पर गई होंगी, और जो भी सवालात होंगी उनका जवाब देंगे। मगर हम ज़ाती तौर ये मानते हैं कि उनका कोई रोल नहीं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, किसी किस्म का कोई खाना पीना उसमें नहीं। उन्होंने देश के एक प्रेस्टिजियस अखबार को बचाने के लिए जो पहल की, जिसने फ्रीडम मूवमेंट में देश की मतलब ये लीडरशिप की है, देश के लोगों की आवाज़ आगे बढ़ाई है नेशनल हेराल्ड, उसको बचाने के लिए लीडरशिप सारी एक यहाँ पे जमा हो गई है। क्या इसको माना जा सकता है कि एक किस्म का इलेक्शन तैयारियां भी शुरू हो गई है, इलेक्शन का? कांग्रेस पहले भी एक थी, बीच में भी एक थी, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगी। हमारी एक सोल क़यादत, और जिसको हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस से भरी हुई क़यादत सोनिया गांधी, उनका इशारा हम सब के लिए काफ़ी होता है। हाँ, कांग्रेस एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने बारहा ये कहा, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें मतभेद हो सकता है, और वो मतभेद जब लीडरशिप सुनती है, सब लोग अपनी अपनी बात रख चुके हैं, उसके बाद किसी के भी मन में कोई मनमिटाव नहीं है। जो फैसला आने वाले चुनावों को फेस करने के लिए कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर के लिए लेगा, जो भी रास्ता वो इख्तियार करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी वो तय करेंगे, जो भी
प्लेसमेंट वो करेंगे। सारी कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम उस फैसले के साथ चलेगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये हमारा इरादा। देश भर में महंगाई से बुरा हाल है लोगों का, जिस तरह से कांग्रेस आज या पहले राहुल गांधी को जब पूरी ने बुलाया था सड़कों पे उतर आई, उस मामले में कांग्रेस उस तरह की अपोजिशन नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार को, क्या देखने समझने की बात है। मैं अपने प्रदेश की बात आपको बताऊं, ये महंगाई को लेकर अगर किसी पार्टी ने सबसे लंबा प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में चलाया, लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, 45 दिन हमने जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ महंगाई, पेट्रोल, गैस और डीजल को लेकर, जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ की रेट बढ़ती है उसको लेकर पूरे नुक एंड कॉर्नर पर 45 दिन चलाया। आज भी पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का ये प्रति साहब के सामने है कि महंगाई पर बहस करो, अग्निपथ पर बहस करो, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हो उस पर बहस करो, और भी जितने इश्यूज़ हैं उनको उन पर बहस करो, मगर मोदी सरकार ने ठान रखी है कि मैंने कोई बहस नहीं करनी है। तो बट नेचुरल है कि सड़कों पर आना है, आपने लगातार देखा होगा कांग्रेस पार्टी और इश्यूज को भी लेकर सड़कों पर उतरती रही।